अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चौहासे भाषमी और ये है Hyundai Elantra GLS 2023 मॉडल। ये Elantra का GLS यानी कि टॉप ऑफ लाइन वर्जन है। अब इस गाड़ी में एक और वर्जन भी आता है GL जो कि 1600 सीसी होता है। ये गाड़ी 2000 सीसी है और इसके अलावा फीचर्स के लिहाज से बहुत ज्यादा लोडेड है। प्लस ये गाड़ी अपनी कैटेगरी में सबसे बड़ा इंजन ऑफर करती है। इसका डायरेक्ट कंपटीशन सिविक बनती है और ग्रैंडे बनती है। वो दोनों गाड़ियां 1800 या 1.5 टर्बो होती हैं। ये गाड़ी 2000 सीसी है लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से सिविक आरएस थोड़ी सी ऊपर है इससे। खैर, ये गाड़ी फीचर्स के लिहाज से बहुत ज्यादा डिसेंट है। इसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं और ये गाड़ी अपनी वैल्यू को कैसे जस्टिफाई करती है, मैं आगे कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तो वो है इस गाड़ी की प्राइस। इसकी डिमांड 68 लाख रुपीज है। ये गाड़ी 25,000 चली हुई है और साइकिल मोड स्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोड स्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोड्स के टोटल दो ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टिंट्स, रैप, सिरेमिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियां फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे गाड़ियों में बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों के मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग या कार केयर वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटर स्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट Elantra एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज्यादा पॉइंटी है। इसकी डिजाइन लग्जरी में पॉइंटीनेस पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है और कुछ लोगों को ये गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद आती है और कुछ लोगों को ये गाड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और इसकी मेन वजह इसकी पॉइंटीनेस है। अगर आपने इस गाड़ी को लेकर मॉडिफाई करना है तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें बड़े रिम्स लगने के बाद इस गाड़ी की लुक बहुत ज्यादा अग्रेसिव आती है क्योंकि इस गाड़ी की DRL बहुत पॉइंटी है, हेडलाइट बहुत पॉइंटी है, टेल लाइट बहुत पॉइंटी है और इसकी क्रैकल लाइन्स भी बहुत ज्यादा शार्प दी गई है। लेकिन बहुत सारे लोगों को यही चीज की अजीब लगती है और इंटीरियर पे भी इस गाड़ी के लोगों के हर तरह के ओपिनियन है। कुछ लोगों को इंटीरियर बिल्कुल बोरिंग सा लगता है, कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है। इन पे मैं आगे बात करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो इसकी हेडलाइट काफी ज्यादा शार्प है। DRL में काफी मैसेज दी गई है जो इंडिकेटर में स्विच करती है और इसके अलावा इसमें क्वाड प्रोजेक्शन लैंप दिए गए हैं, दो लो के लिए हैं, दो हाई के लिए हैं और इसके अलावा इसकी लाइट की थ्रो भी काफी डिसेंट है। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की DRL की तो ये काफी पॉइंटी है और एंड टू एंड कंटिन्यू करती है और इसके अलावा इंडिकेटर इस गाड़ी के हेडलाइट के अंदर नहीं आता बल्कि यहाँ पे नीचे अलग से दिया गया है। इस गाड़ी में फॉग नहीं आती और फॉग की जगह पे इंडिकेटर है तो ये मेरे ख्याल से एक वीएड सी चीज है। अगर ये गाड़ी फॉग लैंप ऑफर करती तो बेहतर था। बाकी इसके हेडलाइट के अंदर क्वाड प्रोजेक्शन लैंप दिए गए हैं, दो लो के लिए हैं और दो हाई के लिए हैं। इसके अलावा इसके फ्रंट पे ये काफी बड़ी डायमंड शेप की Hyundai की ग्रिल दी गई है। Hyundai की मोस्टली कार्स में ऐसी ग्रिल आती है, बेशक सोनाटा हो, टुसॉन हो, Elantra हो या जो मर्जी कार हो, आपको ग्रिल ऐसी डायमंड शेप की देखने को मिलेगी और उसमें क्रोम बहुत सारा आता है। ये गाड़ी फीचर फ्रंट पे कम ऑफर करती है एज कम्पेयर टू ग्रैंडे एंड सिविक। फ्रंट पे सबसे कम फीचर इसी गाड़ी में आते हैं, इस तरह से इसमें फ्रंट कैमरा नहीं आता। ग्रैंडे और भी कुछ डिसेंट फीचर ऑफर करती है जो कि इस गाड़ी में नहीं है। इसमें फॉग लैंप भी नहीं है और इसके अलावा इस गाड़ी के वाइपर भी रेन सेंसिंग नहीं है। हेडलाइट भी इसमें नॉर्मल सी आती है लेकिन ये गाड़ी इंजन उन दोनों गाड़ियों से बेहतर ऑफर करती है 2000 सीसी। और अगर इसके बाद बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ भी सब कुछ काफी शार्प सा है। इसके बारे में एक चीज थोड़ी सी यूनिक है और वो ये है कि इसके फ्रंट बम्पर के अंदर फॉग लैंप के साथ एक डक्ट दिया गया है जहाँ से गाड़ी हवा सक करके टायर के साथ से बाहर करती है और इसके एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाती है। ये चीज आपको सोनाटा में भी देखने को मिलेगी और बहुत हाई परफॉर्मेंस जो कार्स होती हैं उनमें देखने को मिलती है। टायर इस गाड़ी में बीजी लक्सो प्लस आता है जो कि पहले सिर्फ सिविक में आ रहा था, अब ये गाड़ी भी कंटिन्यू करने लग गई है और ये बेसिकली नए रिम के बाद से आया है। पहले इसमें टायर बेहतर आता था, जब से नया रिम आया है टायर थोड़ा सा इंफीरियर कर दिया गया है और ये जनरल का ही टायर है। आई हाईली रिकमेंड कि आप ये टायर लेके चेंज करवा दें। इसकी क्या डिटेल्स है मैं आगे कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड मिरर की तो ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, इसमें ऑटो वाला फीचर भी आता है और इसके अलावा ये हीटेड भी है। तो मेरे ख्याल से साइड मिरर के लिहाज से ये गाड़ी सबसे ज्यादा इक्विप्ड है पाकिस्तान में। फिर इस पे इंडिकेटर भी दिया गया है जो कि काफी स्लीक सा है। बाकी इसके डोर हैंडल्स क्रोम में है GLS में, इसका एक GL वर्जन भी आता है उसमें डोर हैंडल क्रोम में नहीं होते और इसके अलावा इसमें सॉफ्ट अनलॉक भी इन दोनों डोर्स में आता है। मैं इसको यहीं से ही लॉक या अनलॉक भी कर सकता हूँ लाइक दिस। और इसके अलावा इनमें पेडल लैंप्स भी आते हैं स्पोर्ट और टुसॉन की तरह, ये इल्यूमिनेट करते हैं और आपको काफी डिसेंट सी फील देते हैं रात के टाइम। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये गाड़ी साइज के लिहाज से सी सेगमेंट की सेडान है। इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन सिविक और ग्रैंडे बनती है। इंजन के लिहाज से उन दोनों गाड़ियों से ज्यादा बड़ी है लेकिन फीचर्स के लिहाज से उनके आसपास ही है। साइज के लिहाज से भी साइड पे फीचर्स गाड़ी में सबसे ज्यादा दिए गए हैं और इसके अलावा क्रैकल लाइन्स भी इस गाड़ी में काफी शार्प आती हैं। ये गाड़ी सनरूफ भी ऑफर करती है जो कि इन तीनों ही कार में कॉमन है और उसके अलावा रूफ इस गाड़ी की कोई बहुत ज्यादा ऊंची नहीं है। ये गाड़ी एक प्रॉपर सेडान शेप में है, सिविक थोड़ी सी यू नो स्पोर्ट बैक शेप में आती है, उसकी जो रूफ है वो स्लोपिंग है, जबकि सिविक की 11 जनरेशन जो है वो इन सब गाड़ियों से बहुत ज़्यादा बाहर है तो वो मेरे ख्याल से आउट ऑफ क्वेश्चन है क्योंकि इन गाड़ियों की भी नई जनरेशन नहीं आई पाकिस्तान में। खैर, इसके अलावा साइड स्कर्ट्स वगैरह इसमें कोई खास नहीं दी गई,
ये बॉडी ही है। और अगर बात की जाए इस एंड की तो ये भी डिसेंट सही है। यहाँ पे कॉटर ग्लास दिया गया है काफी बड़ा, इसमें शाफी एंटीना आता है जो कि अगेन नए रिम्स के बाद से आना शुरू हुआ है, और इसके अलावा फ्यूल डोर इसमें यहीं पे लेफ्ट पे दिया गया है। ये गाड़ी एक फुल टैंक में आपको तकरीबन 650 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड कर सकती है अगर आप इसको लॉन्ग पे लेके जाते हैं। विदिन सिटी ये गाड़ी तकरीबन 500-450 किलोमीटर ही चलेगी। और अगर बात की जाए गाड़ी के रेयर लुक की तो ये भी फ्रंट की तरह ही बहुत ज्यादा पॉइंटी है। टेल लाइट्स में लावा एलईडी वाली आती हैं और ये एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं, और इसमें रिवर्स और इंडिकेटर हैलोजन में आते हैं। रिवर्स इसका नीचे बम्पर में दिया गया है और इसके बम्पर में रेयर फॉग भी आती है। ये चीज भी पाकिस्तान में इसके अलावा कोई और ऑफर नहीं करती इस कैटेगरी की। इसके ट्रंक में ये एलेंट्रा की बैचिंग दी गई है और ये इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं। ये प्रिंट करना कंपैरेटिवली स्टिकर से या सिंगल ही लोगों से महंगा पड़ता है, बट स्टिल हुंडई ने यहाँ पे चीप आउट नहीं किया। इसके अलावा इसके ट्रंक को लॉक करने के लिए टोटल दो तरीके हैं। एक तो इसके हुंडई के एम्बलम के अंदर ऊपर वाला एरिया जो है इसको प्रेस करेंगे तो इसकी ट्रंक अनलॉक हो जाएगी लाइक दिस। और इसके अलावा एक और तरीका ये है कि मेरे पास अगर इस गाड़ी की चाबी हो और मैं इसके करीब हूँ तो ये गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। अभी मैं दूर जाता हूँ और ये चाबी लेके जैसे ही मैं इसकी ट्रंक के पास आऊँगा तो ये बीप करने लग गई है और अब इसकी ट्रंक खुद ही अनलॉक हो गई है लाइक दिस। ये फीचर इंटरेस्टिंग भी है और अनॉइंग भी हो सकता है। आप अगर लेट्स सपोज किसी के साथ हैं, बातें करते करते करीब आते हैं तो डिग्गी इसकी एवं खुल जाया करेगी। ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है, ये फीचर अगर मैं रखूँ तो ऑफ कर दूंगा। खैर इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की तो ट्रंक इस गाड़ी की डिसेंट है। यहाँ पर आप 4 से 5 लोगों के लगेज इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी ट्रंक कैपेसिटी को अगर और खुला बनाना है आपने तो इसमें रियर सीट्स भी फोल्ड हो सकती हैं। इनको फोल्ड करने के लिए बैक पे ही पुल टैब्स दिए गए हैं। ये अगर मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। ग्रैंड एवे भी रियर बेंचेस फोल्डेबल आते हैं लेकिन उनको फोल्ड आप अंदर से जाके करेंगे, इसमें आप यही सही इनको अनलॉक करके फोल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे लिड दी गई है जिसको उठा के मैं इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकता हूँ। स्पेयर टायर एक गाड़ी फुल साइज का ऑफर करती है और इसके अलावा इसकी ट्रंक काफ़ी वेल इंसुलेटेड है। हुड के अंदर भी इसके ये इंसुलेशन दी गई है और इसके अलावा बैक पे गाड़ी बैकअप कैमरा भी ऑफर करती है जो कि अगेन ट्रंक के अंदर ही इंटीग्रेटेड है। मोस्टली कार्स में अलग से नीचे लटका हुआ होता है जबकि इस कार के केस में ये डिग्गी का ही पार्ट है, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा बैक पे इसमें एक ब्रेक लैंप आता है ऊपर और यहाँ पे इसके अलावा कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, इंटीरियर के लिहाज से ये गाड़ी बहुत कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग कहते हैं कि इंटीरियर काफी अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं बस ठीक है, कुछ लोग कहते हैं बहुत फर्क है। आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। फिलहाल अगर बात की जाए स्पेसिफिक गाड़ी की तो ये लेदर इंटीरियर वाली कार है। इनिशियली जब ये गाड़ी लॉन्च की गई थी तो इसमें इंटीरियर फैब्रिक की फिनिश में था। लोगों ने इसको काफी क्रिटिसाइज किया कि टॉप ऑफ लाइन होते हुए भी ये गाड़ी फैब्रिक सीट्स ऑफर करती है, जबकि पाकिस्तान में बेशक यारिस हो, सिटी हो, क्रोला हो, सिविक हो, जो मर्जी कार हो, टॉप ऑफ लाइन कार में हमेशा लेदर आता है। तो इस चीज़ को एलेंट्रा ने एड्रेस किया और इसमें फिर अब लेदर आना शुरू हो गया है 2022 के बाद से, नए रिमों के बाद से। खैर इन पर मैं आगे बात करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इसका पूरा ही लेदर की फिनिश में है और इसमें लेफ्ट और राइट स्पोक डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक जो कंट्रोल्स हैं मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, राइट स्पोक जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से आप इसके MID के बीच नेविगेट कर सकते हैं और इसके क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी एयरबैग टोटल 2 ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील में और एक डैशबोर्ड में। इसके अलावा इसमें कोई पेडल शिफ्ट वगैरह नहीं आते पर सिर्फ आप इस गाड़ी को मैन्युअली चला सकते हैं। इसके हेडलाइट ऑटोमेटिक वाला फीचर भी आता है और इसके अलावा इसके वाइपर भी रेन सेंसिंग है, तो इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा फीचर्स हैं। सिविक में हेडलाइट्स ऑटो आती हैं लेकिन वाइपर रेन सेंसिंग नहीं आते। ग्रैंड में वाइपर रेन सेंसिंग आते हैं लेकिन हेडलाइट्स ऑटो नहीं आती, इसमें दोनों चीजें दी गई हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर भी इसका थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। इसमें चेकर्ड पैटर्न दिया गया है बेसिकली एक चेस्ट टाइप का और इसके अलावा इसके डायल्स बिल्कुल सिंपल से हैं। ये काफी हद तक ग्रैंड से मिलता जुलता है और इसके अलावा इसके सेंटर में फिर एक MID क्लस्टर दिया गया है जो कि फीचर्स के लिहाज से बहुत ज्यादा लोडेड है। ये आपको ट्रेव्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, क्लॉक, इस गाड़ी की डिजिटल स्पीड, इस तरह की सारी चीजें शो करवाता है आपको। और इसके अलावा क्वालिटी के लिहाज से भी ये डिसेंट है। अगर बात की जाए मीटर की हाउसिंग की तो ये चीप कार्बन फाइबर की फिनिश में है। मेरे ख्याल से अगर ये थोड़ा लेदर की फिनिश में होता या सॉफ्ट टच मटेरियल होता तो इसकी फील बेहतर आती। इसके अलावा डैशबोर्ड्स का बाकी का सारा सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है और इसके सेंटर में ये वाला एक एरिया दिया गया है स्क्रीन वाला जो कि अगेन लुक्स के लिहाज से बस ठीक है। इसके एवेंट्स का डिजाइन थोड़ा अनयूजुअल सा है और इसके अलावा सेंटर में फिर एक इसका एंड्रॉइड पैनल दिया गया है। जब एक इनिशियली आती थी तो इसमें स्क्रीन स्पोर्टेड जैसी आती थी, मेरे ख्याल से वो स्क्रीन बहुत बेहतर थी क्योंकि उसके क्लाइमेट कंट्रोल के साथ सिंक थी। ये वाली स्क्रीन क्लाइमेट कंट्रोल के साथ सिंक नहीं है, आप जिस नंबर दी बेचो क्लाइमेट कंट्रोल यूज़ करते रहें आपको यहाँ पे कुछ शो नहीं होगा। और इसके अलावा ये बेसिकली एक एंड्रॉइड पैनल है। आई एम नॉट श्योर कि हुंडई ने इसको क्यों रिप्लेस किया। पहले वाली स्क्रीन साइज के लिहाज से थोड़ी छोटी थी बट ये स्क्रीन क्योंकि खास बड़ी तो नहीं है तो मोर और लेस ये स्क्रीन साइज के लिहाज से उतनी ही है लेकिन फीचर्स के लिहाज से थोड़ी डाउनग्रेडेड है, पहले वाली स्क्रीन बेहतर थी। इसके अलावा इसमें फिर यहाँ पे ब्लूटूथ ऑक्स नेविगेशन, USB, गूगल मैप्स, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं। उससे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है और जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तब सिविक डुअल क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर नहीं कर रही थी,
ये गाड़ी ओनली कार थी जिसमें क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन आता था। ग्रैंडे में अभी भी नहीं आता, सिविक में तब नहीं आता था। तो इसमें बेसिकली ड्राइवर और पैसेंजर अपनी जोन्स को इंडिविजुअली एडजस्ट कर सकते हैं और उस टाइम पे ये काफ़ी अच्छा फीचर था। इसके अलावा नीचे फिर यहाँ पे इसका वायरलेस चार्जर दिया गया है। ये अगेन एक ऐसा फीचर है जो कि आज तक ग्रैंडे भी ऑफर नहीं करी और सिविक भी ऑफर नहीं करी। सिविक एक रो टच कर रही है बट स्टिल उसमें वायरलेस चार्जर नहीं आता। नीचे यहाँ पे इसका यूएसबी इनपुट दिया गया है, ऑक्स इनपुट दिया गया है और एक चार्जिंग आउटलेट दिया गया है। और इसके अलावा उससे पीछे इसका गियर सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है PR&D और आप इसको स्पोर्ट्स में करके मैनुअली भी यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस। बट इसमें पेडल शिफ्टर्स नहीं आते तो यहाँ पे ग्रैंडे और सिविक दोनों ही नंबर ले जाती हैं। साथ इसका ड्राइव मोड सिलेक्टर दिया गया है। इसमें ड्राइव मोड टोटल 4 आते हैं, नॉर्मल, इको, स्पोर्ट और स्मार्ट। इसके अलावा पीछे पर इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि मैनुअल है। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक हो रही तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात थी। सिविक पाकिस्तान में 2016 से इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दे रही है। ग्रैंडे और ये गाड़ी आज तक यही बेसिक हैंड ब्रेक ऑफर कर रही हैं। फिर सारे इसके दो कप होल्डर्स दिए गए हैं, सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल इसके स्पेस के लिहाज से स्पेशियस है और इसमें एक पावर आउटलेट भी आता है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की तो ये पूरी ही लेदर की फिनिश में है और ये परफोरेटेड है। और इसके बारे में एक अच्छी चीज़ ये है कि इसकी ड्राइवर की सीट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। अब इसको इलेक्ट्रॉनिकली आगे पीछे या ऊपर नीचे कर सकते हैं लाइक दिस। पैसेंजर की सीट इसमें नॉर्मल आती है बट स्टिल ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि ये आज तक ग्रैंडे और सिविक दोनों ही नहीं ऑफर कर रही। इसके अलावा विंडो इस गाड़ी में ड्राइवर की सिर्फ ऑटो डाउन है। यहाँ पे गाड़ी मार्क आती है और बड़ी अजीब सी चीज़ है ये, इतनी महंगी गाड़ी होते हुए इसमें विंडो सिर्फ ऑटो डाउन आती है। इसको मैं ऑटो डाउन तो कर सकता हूँ लेकिन ये ऑटो अप नहीं होगी। स्पोर्टेज अल्फा और ये गाड़ी वाइट कार्स हैं जो कि इस तरह की विंडोज ऑफर करती हैं, जबकि स्पोर्टेज के बड़े वर्जन में या टसॉन वगैरह में विंडोज ऑटो डाउन भी होती हैं, ऑटो अप भी होती हैं। इसके अलावा इस गाड़ी के साइड मिरर डिटेक्टेबल हैं और इनको मैं गाड़ी के अंदर बैठ कर एडजस्ट भी कर सकता हूँ और मैं ऑटो वाला फीचर भी आता है। मीटर की ब्राइटनेस को मैं यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ कर सकता हूँ। बाकी वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं विद अ लाइट जिनको मैं खुद ही ऑन करूंगा लाइक दिस। रेडवी मिरर इस गाड़ी में आज तक बेसिक आता है, ग्रैंडे यहाँ पे ऑटो ड्रिविंग वाला ऑफर करती है। बाकी इसमें सनग्लास होल्डर दिया गया है, केबल लाइट्स दी गई हैं और सनरूफ ये गाड़ी ऑफर करती है जो कि मेरे ख्याल से इस गाड़ी को एक अच्छा ऑप्शन बनाती हैं इस कैटेगरी में। फीचर्स के लिहाज से ये सब गाड़ियाँ ट्रेड ऑफ हैं एक दूसरे का। ग्रैंडे में कुछ चीज़ें बेहतर आती हैं, कुछ इसमें बेहतर आती हैं, कुछ सिविक में बेहतर आती हैं। आपको कौन सी गाड़ी बेस्ट लगती है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रियर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये भी बैक पे ठीक है। मेरे पास यहाँ पे लगने का कोई खास इशू नहीं है और हेड रूम भी इस गाड़ी में स्पेशियस है। ये गाड़ी ग्रैंडे और सिविक के बीच में आती है। सिविक से थोड़ी ज़्यादा स्पेशियस है लेकिन ग्रैंडे से कम स्पेशियस है। सिविक में सेंटर में काफ़ी बड़ा हम्प दिया गया होता है, इसमें हम्प नहीं आता और ग्रैंडे बैक पे खुली ज़्यादा होती है, ये उतनी खुली नहीं है तो ये गाड़ी दरमियान में आती है। फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी सिविक जैसी ही है। इसमें बैक पे एयरबैग्स दिए गए हैं, पावर आउटलेट यहाँ पे नहीं आते और इसके अलावा इसका जो सेंट्रल कंसोल है इसको निकाल के मैं एज एन आर्म स्टिक कर सकता हूँ और इसमें कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। रियर बेंचेस गाड़ी के फोल्डेबल आते हैं जो कि इसका काफ़ी प्लस पॉइंट है एज कम्पेयर टू सिविक। और इसके अलावा इसमें बैक पे आर सिविक के पोर्ट्स आते हैं, सीट बेल्ट आती हैं, सीट्स इस गाड़ी की परफोरेटेड हैं फ्रंट की तरह ही और इसके अलावा रियर विंडोज भी इसकी अच्छी खासी मैसिव हैं। बाकी बैक पे इसमें केबल लाइट दी गई है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन की गाड़ी एक ही ऑफर करती है, 2000cc पेट्रोल। और इस इंजन के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो फैक्ट ये है कि ये वही इंजन है जो कि टसॉन में भी आता है, स्पोर्टेज में भी आता है, इलेंट्रा में भी आता है और फिर यही इंजन सोनाटा में भी आता है। तो बेसिकली किया और हुंडई ने एक ही इंजन डेवलप किया और इसको फिर हर गाड़ी में ठोक दिया। दिस कार इज नो डिफरेंट, ये वही इंजन है स्पोर्टेज वाला, लुक्स के लिहाज से भी सेम है और फिगर्स के लिहाज से भी। यह गाड़ी 154 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 193 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो कि एक सफिशिएंट फिगर है इस बॉडी साइज के लिहाज से। और इसके अलावा यह गाड़ी आपको तकरीबन 12-13 तक की एवरेज दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइवर पैटर्न अगर आप इसको प्यार से चलाएंगे तो। इसके अलावा हुंडई अपनी कैटेगरीज में हमेशा एक्सेसिबल इंजन ऑफर करता है। सेडान की सी सेगमेंट कैटेगरी में ये 2000cc इंजन पहली बार हुंडई ने दिया, इससे पहले 1.8 या 1.5 आ रहे थे। और इसके अलावा फिर सोनाटा की कैटेगरी में 2.5 इंजन ही पहली बार आया पाकिस्तान में, इससे पहले कोई और कार इतना बड़ा इंजन ऑफर नहीं करी थी। बाकी इसका इंजन कंपैरेटिवली सिविक वगैरह से थोड़ा सा वेल इंसुलेटेड है। इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स वगैरह भी दिए गए हैं जो कि इसके राइड को और भी ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। बाकी इसके बोनट के अंदर इंसुलेशन नहीं आती जो कि मेरे ख्याल से होती तो अच्छी बात थी, सिविक और ग्रैंडे दोनों ऑफर करती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए करेंगे टायर साइज की, टायर साइज ऑफर करती है एलेंट्रा, ये है 215, 55 और 16। इसमें 16 इंच का रिम आता है और ये नया वाला रिम है। पहले इस गाड़ी के रिम बड़े बेसिक से थे और कंट्रोवर्शियल लुक थी इसकी, मोस्टली लोगों को पसंद नहीं आए थे और ओल्ड स्कूल से लगते थे। तो हुंडई ने इस चीज़ को एड्रेस करके इसमें नए रिम ऑफर कर दिए जो कि क्लॉथ ब्लैक और एल्युमिनियम की फिनिश के साथ हैं। इसके अलावा जैसे ही रिम चेंज किए गए तो इसमें टायर भी बीजू लग से प्लस कर दिया गया। मेरे ख्याल से पहले वाला टायर थोड़ा बेहतर था, ये जनरल का ही टायर है और वही टायर है जो कि सिविक में भी आता है।
इसके अलावा ये गाड़ी ऑल व्हील डिस्क ब्रेक ऑफर करती है, इसमें फ्रंट पे और बैक पे दोनों में ही डिस्क ब्रेक दी गई है, और इसके अलावा इसमें यहाँ पे डक्ट्स भी दिए गए हैं एयर के। ये गाड़ी इसके इंडिकेटर के साथ से हवा से करके साइड से बाहर करती है, जो कि इसके एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास घर से रिलेटेड कोई राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी देने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।